नमस्कार मित्रों, आज देवराहा बाबा का पुण्यतिथि है 19 जून। देवराहा बाबा के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं देवराहा बाबा को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूं, देवराहा बाबा सबसे सरलतम सीधे सादे संत थे। मैं किसी भी संत को था बोलना पसंद नहीं करता हूँ या किसी व्यक्ति को भी था बोलना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना पड़ेगा कि देवराहा बाबा जब शरीर में थे उस समय तक वो सबसे सीधे सादे संत थे। और मुझे कहना पड़ेगा कि उनकी शादी का सबसे बड़ा उदाहरण जो मुझे दिखता है कि जब उनका जो शिष्य होता था वो कहता था कि बाबा सबको आशीर्वाद दे दीजिए, तो बाबा सबको आशीर्वाद देते थे। मुझे बहुत हंसी आती थी कि जो शिष्य कहता था वही बाबा करते थे। फिर शिष्य कहता था कि बाबा थोड़ा सा वो श्लोक सुना दीजिए, दूसरे के पत्नी को माता समझना चाहिए, तो बाबा बोलते थे हाँ हाँ दूसरे के पत्नी को माता समझना चाहिए। फिर शिष्य बोलता था कि नहीं बाबा थोड़ा संस्कृत में बोल दीजिए, अच्छा हाँ संस्कृत में मातृवत परदारेषु। तो मुझे बहुत हंसी आती थी कि बाबा इतने सीधे साधे सरल संत हैं जो अपने शिष्य की भी बात मानते हैं। फिर वो शिष्य कहता था बाबा एक बार खड़ा होकर सबको आशीर्वाद दे दीजिए, बाबा बोलते थे हाँ हाँ ठीक है चलिए आशीर्वाद है। प्यारे दोस्तों, इतने हिमालय से भी ऊंचे संत सिद्ध और मेरे लिए भगवान श्री देवराहा बाबा, जो मेरे लिए किसी भी हिमालय से कम नहीं थे। संत शिरोमणि कहिए, जितने भी संत को आप जानते हैं, जितने भी सिद्ध को आप जानते हैं, अगर उनमें से आपको बिल्कुल हिमालय कहना पड़े तो देवराहा बाबा थे और मेरे लिए देवराहा बाबा है। मेरे परिवार के अधिकांश लोग देवराहा बाबा के पास जाते रहे हैं। मेरे रिलेशन में, मेरे रिश्तेदारी में मेरे फूफा स्वर्गीय श्री मुरली मनोहर शर्मा जी, वो हमेशा से देवराहा बाबा के पास जाते रहते थे और उनसे बड़ा निकटतम बातचीत होती थी। इसके अलावा मेरे क्लासमेट, मेरे साथी बबलू झा जो अब स्वर्गीय हैं, नहीं है शरीर में, मेरे दोस्त जो एक मैनेजर हैं प्रभात झा, राजू सरोज, ऐसे मेरे कुछ मित्र हैं जो देवराहा बाबा के फेस टू फेस आमने सामने से उन्होंने दर्शन किया है। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि देवराहा बाबा से लोगों ने कुछ सीखा नहीं। मेरा ये शिकायत है कि देवराहा बाबा के लोगों ने दर्शन तो किए और उनसे कुछ सीखा नहीं। मैंने सीखा है, मैंने देवराहा बाबा से दो साधनाएं सीखी है, एक है मूल बंध और दूसरा है उड्डयन बंध। मूल बंध का प्रयोग मैं करता हूं पिछले 4 सालों से। मूल बंध का अर्थ होता है अपने सांस को बाहर फेंकिए और पेट को अंदर खींचिए। पेट को जितना अंदर खींच सके, जितना अंदर खींच सके, जितना अंदर खींच सके, यहाँ तक कि उसको अपने पीठ में सटा सकें और उतनी देर तक श्वास को बाहर फेंके रहिए। इस विधि को कहते हैं मूल बंध। मूल बंध लगने के बाद मुझे 4 वर्षों में पेट की कभी कोई समस्या हुई ही नहीं। आप सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को जब कभी लगे कि आज मेरा पेट कुछ गड़बड़ है, आप अपने सभी श्वास को बाहर फेंकिए, पेट को अंदर खींचिए और अंदर और अंदर और अंदर बिल्कुल पीठ की तरफ 3 बार करिए, आपका पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन मूल बंध का वास्तविक उद्देश्य था ब्रह्मचर्य को प्राप्त करना, वो तो मेरा अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि मैं एक धोखेबाज साधक हूँ, मैं ईमानदार साधक नहीं हूँ। मुझे आज के वीडियो में कहना है कि देवराहा बाबा से लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं, बस लोगों ने उनके सिर्फ दर्शन किए। मेरे गांव में मेरी बहुत सारी भाभी हैं जो अब तो बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्होंने देवराहा बाबा के दर्शन किए। कुंभ मेला में मेरे गाँव से जितने भी पुरुष या स्त्रियाँ जाते थे वो सभी देवराहा बाबा के दर्शन करते थे। यहाँ तक कि हमारे देश के बड़े से बड़े लोग, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी कितने सारे नाम, पंडित मोतीलाल नेहरू और भी डॉक्टर जाकिर हुसैन, विश्व के बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग देवराहा बाबा के दर्शन करने जाते थे, लेकिन दर्शन करके लौट आते थे और बात ख़त्म। सभी लोगों को लगता था काम पूरा हो गया, बाबा महान है, हम लोग इंसान हैं, बात ख़त्म हो गई। यही तो आदमी का बैड लक है।
देवराय बाबा से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और मैंने सीखा है। एक साधारण सी बात करना चाहता हूँ जो सभी मेरे दर्शकों को सीखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आज ही मेरे साथ तो तीन चमत्कार हुए, देवराय बाबा के पुण्यतिथि था। देवराय बाबा की कृपा से आज मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 19 जून 2023 को दोपहर 3 बजे तक मेरे 1999 सब्सक्राइबर्स थे, 1999। फिर मैंने बहुत इंतज़ार किया तो शाम को 6 बजे तक 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए, जो अभी 2002 के आसपास हैं। तो सबसे पहले मैं आज देवराय बाबा के पुण्यतिथि पर आप सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, मेरी बातों को सुना। और मेरा पिछला वीडियो जो आज से मैंने ठीक पहले परसों रात को बनाई थी, जब मैं ओशो के छोटे भाई से मिला, उसको आप लोगों ने एक दिन में 17 मिनट के वीडियो को 200 से अधिक व्यूज मिले हैं। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि 17 मिनट के मेरे भाषण को 10-20 लोगों ने नहीं, 200 लोगों ने सुना है और अभी तक लोग सुन ही रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, देवराय बाबा से क्या सीखनी चाहिए। पहली बात तो उनसे ये सीखिए कि मैंने उनसे एक मंत्र सुनी थी उनके मुँह से हमेशा। आप भी कभी यूट्यूब में उनका वीडियो देखिएगा तो देवराय बाबा जब मंच पर आते थे तो कहते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये 3 लाइन का मंत्र अगर आप लोग रोज़ सुबह 5 बार भी इसका जाप करते हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बढ़ेगी। मैं दावे से कहता हूँ कि ओशो ने अपने प्रवचन में मंत्र जाप की महिमा बताई है। उनका आप देखिए शिव सूत्र, उसमें वो मंत्र जाप की महिमा बताया है। उनका आप कृष्ण स्मृति सुनिए ओशो का, उन्होंने सिर्फ राम शब्द का उच्चारण अगर आप करें, राम, तो आपके लिए महामंत्र है। सिर्फ राम का नाम महामंत्र है। आप श्री राम नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ राम कहते ही वो महामंत्र बन जाता है। प्यारे दोस्तों, देवराय बाबा से आप सीखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवराय बाबा से जो दूसरी बात मैंने सीखी थी वो था उस जमाने में 1989 के आसपास में, जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, बनेगा, ऐसा लोगों का डिमांड है, RSS वाले का या विश्व हिंदू परिषद का डिमांड था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तब देवराय बाबा ने 1990 में कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र तो है ही, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, देवराय बाबा ऐसा आदमी 1990 में कहते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, ये उस समय की बात है जब आप समझ सकते हैं कैसा वो दौर रहा होगा। और देवराय बाबा ने ये बात कही कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वो तो हिंदू राष्ट्र है ही। प्यारे दोस्तों, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, खुशी होगी, उन्होंने मुसलमानों को कभी बेगाना नहीं कहा। बहुत सारे मुस्लिम थे जो उनके शिष्य थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे ही, और मैंने खुद पढ़ा है देवराय ज्ञान गंगा में कि देवराय बाबा कहते हैं कि अंग्रेज भी ब्राह्मण है, मुसलमान भी ब्राह्मण है। अब इसका अर्थ आप क्या समझ सकते हैं, सोचिए। देवराय ज्ञान गंगा पुस्तक में देवराय बाबा ने कहा है कि अंग्रेज भी ब्राह्मण है, मुसलमान भी ब्राह्मण है। इसका अर्थ हुआ कि बाबा भेदभाव की दृष्टि से किसी को नहीं देखते थे। देवराय बाबा ने हिंदुओं को, सनातनियों को ही अपना समझा, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जॉर्ज पंचम जब आए थे इंडिया में 1914 में, तो जॉर्ज पंचम इंडिया में आकर के उन्होंने देवराय बाबा के दर्शन किए थे। देवराय बाबा के लिए अंग्रेज भी पराए नहीं हैं, देवराय बाबा के लिए मुस्लिम भी पराए नहीं हैं। इसके बाद आप देवराय बाबा से सीखिए, 1989 के आसपास में उनसे पूछा गया है कि राम मंदिर का निर्माण कैसे होगा, और पत्रकारों ने बार बार जोर दिया तो बाबा ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होगा।
फिर पत्रकार पूछते थे कैसे होगा, पापा बिल्कुल झुंझला जाते थे, बोले बस होगा। अब उस जमाने में भविष्य को तो देख पाते ही थे, इसमें कोई संदेह नहीं कि भविष्य दृष्टा नहीं थे। फिर बाबा ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के सहयोग से होगा। ये आपको आश्चर्य की बात लगेगी, भारत में कई हिंदू हैं और कई मुस्लिम हैं जो भेदभाव में विश्वास नहीं करते। राम मंदिर के निर्माण में बहुत सारे मुस्लिम हृदय ऐसे भी हैं जिन्होंने हृदय से इस बात का सहयोग किया है कि ठीक है राम मंदिर बनना चाहिए। बाबा ने कहा है, देवड़ा बाबा ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम के सहयोग से बनेगा, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक वाले चाहे कुछ भी कहते रहे, मैं अपने बल पर जानता हूँ, मेरे जीवन में 15-20 ऐसे मुस्लिम हैं जो मेरे भाई की तरह हैं, मेरे मित्र तो है ही मेरे भाई की तरह है। इसके बावजूद भी मेरे वीडियो को देखकर जिन मित्रों को बुरा लगे वो मुझे क्षमा करें, मैं किसी भी पॉलिटिशियन के बात को नहीं मानता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरे कुछ मित्र मुस्लिम हैं तो हैं, मुझे क्यों किसी के सिद्धांत को मानना चाहिए। अगर मेरे साथ कभी बुरा होगा तो मैं भी आपको बताऊँगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे अंग्रेज हो चाहे मुस्लिम हो, अच्छे बुरे लोग हर कौम में होते हैं। जो आदमी बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है। देवराय बाबा से मुझे जो सीखने को मिला 1992 में, 1992 में उनकी एक किताब देवराय ज्ञान गंगा मेरे हाथ में पड़ी। मेरे फुफेरे भाई हैं श्री राजेश्वर शर्मा जी, उन्होंने मुझे ये किताब दी थी देवराय ज्ञान गंगा। उस पुस्तक को पढ़कर मुझे पहली बार समझ में आई कि मनुष्य ही योग के द्वारा या ध्यान के द्वारा ऐसी ऊंचाई को पा सकता है जिससे वो संत या सिद्ध या भगवान हो सकता है। देवराय बाबा से मुझे ये झलक मिली कि मनुष्य ही ऊपर उठ करके संत बनता है, सिद्ध बनता है। उससे पहले तक मुझे लगता था कि हनुमान जी हैं, हम तो आम आदमी हैं, भगवान राम भगवान है, हम आम आदमी हैं। लेकिन जब देवराय बाबा मेरे जीवन में आए तो उनको देख के ही लगा कि ये अलौकिक व्यक्ति हैं, इस दुनिया के वो लगते ही नहीं हैं। देवराय बाबा पर मैंने खूब गहरा अध्ययन किया, मेरे निजी चमत्कार हुए। मैं आपको बता दूं, एक बूढ़े व्यक्ति झरिया में मेरे सामने आके बैठे, स्कूटर से वो आए और जैसे उन्होंने हेलमेट उतार के मेरे सामने बैठे, मैंने उनकी आंखों में देखा और पूछा कि क्या आप देवराय बाबा के शिष्य हैं। वो बूढ़ा आदमी कहने लगे कि आपको कैसे मालूम, मेरे घर में देवराय बाबा का बड़ा सा फ़ोटो लगा हुआ है और मेरे घर में सत्संग होता है। मैंने कहा ये भी बाबा की कृपा है। देवराय बाबा के कारण मैंने अपने जीवन में अनेक चमत्कार अनुभव किए, जिससे ये पता चलता है कि देवराय बाबा जैसे संत का सत्संग करने से भी आपका तीसरा नेत्र सक्रिय हो जाता है। देवराय बाबा 1992 में मेरे जीवन में आए और उनके आने से मेरी आध्यात्मिक प्रगति शुरू हुई। मुझे बहुत सारे तीसरा के अनुभव हुए, बहुत सारे भविष्यवाणी मुझे दिखाई पड़ने लगे। प्यारे दोस्तों, देवराय बाबा की आज पूरी तिथि पर मैं कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाना चाहिए। देवराय बाबा आए 92 में और 92 में ही मेरे जीवन में ओशो का प्रवेश हुआ। ओशो से मैंने ध्यान सीखा, देवराय बाबा से मैंने योग सीखा। उसके बाद चलते चलते आज मेरी आध्यात्मिक यात्रा 2023 में, जब कभी मैं पंडित देवेंद्र कृष्ण शास्त्री को सुनता हूँ तो मुझे यही लगता है कि ये अभी लोगों को धर्म की तरफ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने भी, पंडित देवेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हाल में कहा है कि देवराय बाबा भी तो चमत्कार करते थे। ओशो ने अपने प्रवचनों में देवराय बाबा को शामिल किया है। उनका प्रवचन, आप इंग्लिश में उनका एक प्रवचन था, उसमें ओशो ने देवराय बाबा पर बोला है। इसके अलावा जिन सूत्र महावीर वाणी में भी ओशो ने देवराय बाबा पर बोला है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सरल तो थे ही, उनके जीवन के सैकड़ों चमत्कार मैं जानता हूँ, लेकिन चूँकि आपका समय बहुत कीमती है, मैं यही कह सकता हूँ कि देवराय बाबा आठों सिद्धि, जिसको कहते हैं अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि में वो पारंगत थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा भी है वीडियो में कि आप पतंजलि योग सूत्र के अष्ट सिद्धि के, आपको आठों सिद्धियाँ आती है क्या, है सही बात है? बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो इतने अहंकारी भी नहीं हैं कि वो कह दें कि हाँ मैं हूँ। लेकिन उनका मौन रहना ही ये बताता है कि बाबा को आठों सिद्धियाँ आती थी। अष्ट सिद्धि जिसके बारे में कहते हैं लोग कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता हैं, उसी तरह से देवराय बाबा अष्ट सिद्धि से वो सिद्ध हैं।
मेरे रिलेशन में, मेरे ससुराल में भी मेरे परिवार के सभी लोग देहरा बाबा के बहुत प्रेमी हैं, सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा जब मेरी शादी हुई हो रही थी, जब मेरी बारात बोकारो पहुंची थी, तो जहां मेरी बारात को ठहराया गया था वो बिल्कुल देहरा बाबा के आश्रम के 10 फुट सामने, देहरा बाबा के आश्रम के बिल्कुल गेट पर मेरे बारात को ठहराया गया था। वो भी मुझे एक चमत्कार सा अनुभव हुआ कि देहरा बाबा से मेरा जो प्रेम था वो बार बार उन्होंने अपने प्रेम को सिद्ध किया। आज मेरे जीवन में मेरा पुत्र, मेरा बेटा 100% देहरा बाबा का प्रेमी है। मेरे रिलेशन में विकास शर्मा जो मेरा भतीजा है, देहरा बाबा का 100% गहरा से गहरा प्रेमी है। और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे एक बड़े भाई हैं पंकज सिंह जी, बिल्कुल निर्विवाद रूप से आलोचना रहित होकर के देहरा बाबा के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनके प्रेमी हैं। बोकारो में जो आश्रम है देहरा बाबा का, मैं वहाँ अक्सर जाते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा बहुत सारे मेरे जीवन में हजारों अनुभव हुए हैं जिसके बल पर मैं कह सकता हूँ कि देहरा बाबा मेरे बहुत ही समीप हैं। और जितने भी मेरे दर्शक हैं, अब तो मेरे 2002 सब्सक्राइबर्स और 5,06,000 व्यूज मेरे हो चुके हैं। आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपके हृदय में प्रेम है, अगर आपकी आपका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ है, आप इसी समय से देहरा बाबा के साथ एक हो सकते हैं। ओशो की भाषा में कहूँ तो इफ़ यू आर अवेलेबल, योर हार्ट इज रेडी टू रिसीव, देहरा बाबा इज अवेलेबल टू यू राइट दिस मोमेंट। अगर आपका हृदय खुला हुआ है, श्रद्धा से भरा हुआ है, तो देहरा बाबा अभी का अभी आपके हृदय में, आपके जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। प्यारे मित्रों, देहरा बाबा के पुण्यतिथि पर मेरा ये संदेश है आप सभी को, देहरा बाबा के लिए कभी थे शब्द कहने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि उनकी उम्र 250 वर्ष जरूर थी, और 250 वर्ष के अलावा मुझे जो दिखाई पड़ा कि सर्वसाधारण से साधारण व्यक्ति के लिए वे उपलब्ध थे। और आज भी हम सभी, मैं तो सुबह जब सोकर उठता हूँ तो आँख खुलने से पहले उनके मंत्र को जप करता हूँ। कृपया इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवराज बाबा के एक शिष्य ने मुझे एक गुप्त मंत्र लिख कर दी थी कि आप इसका भी जाप करें। वो मंत्र भी अब मैं देवराज बाबा की तरफ से आप सभी को कहना चाहता हूँ, हो सके तो उस मंत्र को भी अपना लें। वैसे तो मंत्र गुप्त रखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है देवराज बाबा का प्रसाद आप सभी तक पहुँचे। चलिए ठीक है, पोस्टपोन करता हूँ, हो सकता है वो मंत्र मेरे लिए गोपनीय हो। मेरे गांव के ऐसे ऐसे साधु हैं जो निजी तौर पर पर्सनली देहरा बाबा से मिले हैं, उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण किए हैं। मेरे गांव के रायसुरी दास, उन्होंने देहरा बाबा से निजी मुलाकात की है। मेरे फुआ के घर जहां है राजगवा, वहां भी एक साधु जी हैं, वो देहरा बाबा के शिष्य थे, उनके साथ ही रहते थे। यानी कि मुझे लगता ही नहीं कि देहरा बाबा मेरे परिवार के सदस्य नहीं हैं। और ओशो तो मुझे ऐसा लगता है कि ओशो मेरी आत्मा ही है। तो आज देहरा बाबा के पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी को मेरा संदेश है, कल फादर्स डे था, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देहरा बाबा इज माय फादर, देहरा बाबा मेरे पिताजी हैं, मेरे गुरु हैं। ईश्वर करे देहरा बाबा की पुण्यतिथि पर आप सभी देहरा बाबा के साथ एक हो जाएं। आप सभी को देहरा बाबा का भरपूर आशीर्वाद मिले। देहरा बाबा आप सबसे भरपूर प्रेम करते हैं, उसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ, उनका हृदय बहुत विशाल है। आप भी देहरा बाबा से प्रेम करें तो आपका जीवन धन्य हो जाए। देहरा बाबा को पूजने की ज़रूरत नहीं है, YouTube में जाएं, उनके कुछ वीडियोस को देखिए। और अभी से अभी मेरे सभी दर्शक देहरा बाबा के साथ हैं, देहरा बाबा के साथ एक हो गए हैं। मेरे तरफ से देहरा बाबा को बहुत बहुत प्रणाम, उनके पुण्यतिथि पर मेरे लिए वो सदा हैं। आप सभी दर्शकों को देहरा बाबा की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। जय देवरा बाबा, धन्यवाद।